फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फूडी होस्ट पूजा और मैं आज कटहल की बहुत टेस्टी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूं। तो चलिए बनाते हैं कटहल की सब्जी। अब ये सारे जो है कटहल कुकर में डाल देंगे। हमें इसको प्रेशर कुक करना है। अब इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे। अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको 4 to 5 व्हिसल तक प्रेशर कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम थोड़ा सा करीब 1/4 टीस्पून ऑयल डाल के और सारे जो है मसाले को रोस्ट कर लेंगे, ड्राई मसाले को। तो ये हमने धनिया डाल दिया, साथ में हम कुछ ब्लैक पेपर क्रम्स डाल देंगे, काली मिर्च, कुछ लौंग, थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम और एक जो है ब्लैक कार्डमम, कुछ जो है अदरक और ये 10-12 गार्लिक क्लोव्स। अब थोड़ा जीरा, इन सारी चीजों को धीमी आंच पे चलाते हुए हम लोगों को रोस्ट कर लेना है। मसाला हमारा भून के तैयार हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब एक गरम वॉक में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हींग डाल देंगे। ये सारे कटे हुए प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसको तब तक हमको चलाते हुए भूनना है जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए अपने कटहल की क्या पोजीशन है। ये देखिए खूब अच्छे से गल गया है। मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको पीस लेते हैं अच्छे से। मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इस मसाले के एक पेस्ट बना लिया है, अच्छा थिक। देखिए प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम ड्राई स्पाइसेस अपना डालेंगे इसमें। पहले सबसे पहले हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। ये ड्राई स्पाइसेस मैं हमेशा ऑयल में इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ये पेस्ट किए हुए मसाले डाल देंगे। देखिए मसाले में जो है तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा जैगरी ऐड कर देंगे। ये गुड़ है, आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब हम इसमें टोमेटोज ऐड करने वाले हैं। हमने वो टोमेटो का प्योरे बना लिया है और जैगरी इसलिए क्योंकि इसकी टैंगीनेस को बैलेंस करने के लिए, आपको पता ही है। अब हम इसको 1-2 मिनट और भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया ताकि टोमेटो जल्दी पक जाए। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इस स्टेज पे ये सारे कटहल इसमें डाल देंगे, बॉइल्ड कटहल। अब इसमें बाकी नमक ऐड कर दे रहे स्वादानुसार। आप ध्यान रखना कि जब टोमेटो ऐड किया था उस समय भी आपने थोड़ा सा वो नमक ऐड किया था, तो ऐसा ना हो कि नमक तेज हो जाए। और अब इसको चलाते हुए इसी मसाले में 2-3 मिनट तक और भूनना है हमें कटहल को भी मसाले के साथ, ताकि सारे मसाले कटहल के अंदर अच्छे से
इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमें एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, अगर आपको ग्रेवी चाहिए हो तो आप थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से पानी बढ़ा सकते हैं। बहुत पानी वाली ग्रेवी सब्जी इसकी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी थिक अच्छी लगती है। बस इसको अब हम 5 मिनट और ढक के पकने देंगे। अब मैं ये ग्रीन चिली भी डाल दूंगी इसमें और एक कवर से लीड से इसको कवर कर दूंगी और इसको 5 मिनट ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देते हैं। देखते हैं हम क्या पोजीशन है। वाओ, देखिए कितने अच्छे से पक गया, कितना अच्छा कलर आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और उसमें ये हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देसी घी, जो कि मेरी पर्सनल पसंद है। ये आप स्किप भी कर सकती हो, इसलिए मैंने इसको इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया, पर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। ये डिश बनके मेरी तैयार हो गई है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज खाना पसंद करते हो, तो बिलीव मी ये सब्जी टेस्ट करने के बाद शायद आप इस सब्जी के फैन बन जाओ, नॉन वेज खाना बंद कर दो या कम कर दो, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। सो प्लीज इंजॉय दिस रेसिपी विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज एक थम्स अप तो बनता है। बाय।